हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 बोगियां पटरी पर से उतर गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोगों के घायल होने की खबर है। ये घटना सोमवार यानी 17 जून को सुबह 9 बजे के आसपास उस समय हुई जब 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिरेल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी पर से उतर गई। प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, बता दें, कटिहार मंडल के रंगपानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच में स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 3 बोगियां पटरी पर से उतर गई। धक्का इतना तेज था कि बोगी एक दूसरे पर चढ़ गया। घटना की सूचना पर कटिहार के रेल मंडल में हड़कंप मच गया। कटिहार और एनजेपी से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे के अधिकारी घटना स्थल की ओर कूच कर गए। बताया जाता है कि इस घटना में बहुत सारे लोगों के घायल होने की आशंका है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। बट जब भी कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी तो पीछे से गुड्स ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला कैसे, इसके जिम्मेदार कौन है? और देखा जाए तो कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले बोगी से गुड्स ट्रेन टकराई है और पीछे के साइड में ज़्यादातर जनरल बोगी होती है, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे रहते हैं, तो इस एक्सीडेंट में कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती है, क्योंकि अभी बोगी को काट के उसके अंदर फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है और कितने यात्री सुरक्षित निकाले जाते हैं वो तो रिलीफ वर्क कम्प्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। अभी बचाव कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऐसा कब तक होता रहेगा? आए दिन रेल दुर्घटना की खबर आती रहती है, ये एक्सीडेंट्स कब रुकेंगे? हम आशा करते हैं कि इस एक्सीडेंट में ज़्यादा लोगों की जानें ना जाएं और जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। रेलवेज ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप दिए गए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0332350 8794 और 0332383326। दोस्तों, इस घटना के ऊपर और भी कोई हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।